वाइली को M&M का कितना छोटा जार मिला है, पर क्विंटन के पास पूरी मशीन है और सोफी किसे गले लगा रही है। ओह, यह मशीन क्विंटन से भी बड़ी है। बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं बड़े, मध्यम और छोटे भोजन की चुनौती। तुम में से कौन पहले शुरू करेगा? माइली, चलो। जाहिर है उन्होंने जार को बहुत अच्छी तरह से बंद किया है, क्योंकि तुम इसे खोल नहीं पा रही हो। चलो पूरी कोशिश करो, इसे खोलना मुश्किल है। ओह, बस बहुत हो गया। मैं अपने विशाल हल्क हाथों की मदद से अभी इस जार को तोड़ने जा रही हूँ। तुमने माइली को नाराज कर दिया, माइली ने इसे तोड़ दिया। अब सही है, अब चलो कैंडी खाते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है, ये बहुत चॉकलेटी है। मुझे लगता है क्विंटन आगे बढ़ सकता है। ओ वाह, मेरे सभी कैंडीज वेंडिंग मशीन में है, इसलिए मुझे बस लीवर को चालू करने की जरूरत है। चलो घूमो। ओह, यह काम नहीं कर रहा है, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ओह, क्या तुमने देखा, यहाँ सिक्का डालने की जगह बनी हुई है। मुझे इस भूखे वेंडिंग मशीन से कैंडीज पाने के लिए अपने कुछ सिक्कों को इसे खिलाना होगा। चलो अभी ट्राई करता हूँ। वाओ, यहाँ कैंडी है। वाओ, ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे और बहुत ज्यादा कैंडीज चाहिए, मैं उन्हें खाना चाहता हूँ। वाह, अद्भुत स्वाद। और मेरे पास, अरे सिक्के कहाँ है? क्या मशीन ने सब खा लिया? लेकिन मैंने बहुत सारे सिक्के डाले थे। फिर मैं अभी इस मशीन को काट दूंगा और अपनी कैंडीज निकालूंगा। बढ़िया, यह काम कर रहा है। वाह, मैं सभी कैंडी मुफ्त में खा सकता हूँ। मुझे लगता है कि अब सोफी की बारी है। ओह रे, आखिरकार अब मैं बहुत सारे कैंडीज खा पाऊंगी। मुझे बस मशीन के हैंडल को स्क्रॉल करने की जरूरत है और फिर मैं इसे खा सकती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। अरे, यह घूम क्यों नहीं रहा है? मशीन, मुझे और कैंडी दो। उफ, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। अरे क्या हो रहा है, मशीन मुझ पर गुस्सा मत करो। अरे इतने कैंडीज बाहर मत निकालो। दोस्तों सावधान, हम पर कैंडी मशीन द्वारा हमला किया जा रहा है। ओ नहीं, मैं गिर रही हूँ। ओह, लगता है हमला खत्म हो गया है। दोस्तों देखो, मशीन से कितनी कैंडी गिरी है, चलो इसे जल्दी से खाए। ओह, मुझे इतना छोटा चॉकलेट बार क्यों मिला है, एक बाइट भी नहीं होगा। और मैं बहुत लकी हूँ, मुझे एक बड़ा चॉकलेट बार मिला है। मेरा चॉकलेट बार कहाँ है, क्या उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया? खैर चलो सोफी, तुम शुरू करो। मैं इसे जल्दी से करूंगी, मेरे पास बहुत छोटा चॉकलेट बार है। चलो इसे ट्वीजर से पकड़ती हूँ ताकि ये कहीं खोए ना। हालांकि तुम्हें पता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं एक ग्लास दूध में चॉकलेट बार डाल सकती हूँ, फिर चॉकलेट दूध में घुल जाएगी और मुझे चॉकलेट मिल्क मिलेगा। हाँ, यह तो बहुत अच्छा है। हाँ चलो अब मैं इसे चख कर देखती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट होगा मुझे यकीन है। ओह वाह, सच में मुझे ये बहुत पसंद आया। क्विंटन, अब तुम कर सकते हो। सच में? हुरे, मैं इस स्वादिष्ट चॉकलेट बार को खाने जा रहा हूँ। सोफी, यह क्या है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम बहुत लालची हो, मुझे माफ करना। तुम बहुत लालची हो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं अब एयर कंडीशनर ऑन करने जा रही हूँ, फिर उसका चॉकलेट बार उसके हाथों में पिघल जाएगा। ये क्या हो रहा है? ओह, चॉकलेट पिघल रही है। ओह कितना बुरा, मैं इसे खा भी नहीं पाया। ओह कितने अफसोस की बात है। खैर कोई बात नहीं, कम से कम मैं इसे चाट सकता हूँ। ओह, यह तो बहुत ही अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट। तुम लोग हंस क्यों रही हो? यह स्वादिष्ट है, अब चलो तुम अपना काम करो। अरे यह कैसी आवाज है? वाओ, क्या मुझे हेलीकॉप्टर से चॉकलेट बार मिला है? अरे बाप रे, मुझे लगता है वे किसी विशाल शहर से उसे ला रहे हैं, वहाँ पर गिर जाएगा। दोस्तों चलो गर्म चॉकलेट की बारिश कराते हैं, हमें तुरंत चॉकलेट पिघलाने की जरूरत है, जल्दी करो। ओ नहीं, ध्यान से, हम सभी चॉकलेट में ढके हुए हैं और यह बहुत स्वादिष्ट है। ओ, क्या यह छोटा ब्रोकली कॉकटेल है? कितना बुरा। उफ, और दूसरे को क्या मिला है? सोफी के पास मध्यम आकार के ब्रोकली कॉकटेल है, कितना बेकार। और क्विंटन को एक विशाल कॉकटेल मिला है। ओह, इसकी गंध बहुत खराब है, तुम में से कौन शुरू करेगा? माइली चलो। ओह, ये बहुत बुरा है, मैं इसे बिल्कुल नहीं पीना चाहती, लेकिन मुझे ये पीना पड़ेगा। ओह कितना घिनौना है, मैंने कभी भी इसे बुरा कुछ भी नहीं पिया है। थु, 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 क्या? ओह
तुम्हें ये ब्रोकली भी खाना पड़ेगा। मैं इसे नहीं खाना चाहती, मुझे ब्रोकली से नफरत है। खैर मेरा हो गया, अब सोफी शुरू कर सकती है। और मैं एक भयानक कॉकटेल का इतना बड़ा ग्लास कैसे पीऊं? मुझे लगता है मुझे अपनी नाक बंद कर लेनी चाहिए। ये बहुत ही खराब है। नहीं, मैं अब और नहीं करूंगी। ओह, एक आइडिया मेरे पास है। सोफी, क्या तुम्हें ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी चाहिए? ठीक है, फिर स्ट्रॉबेरी शेक ले लो और मैं इस भयानक को दूर रखता हूँ। स्ट्रॉ पकड़ो ताकि पीने में सुविधा हो। ओ, धन्यवाद पेंटिंग। स्ट्रॉबेरी के साथ कॉकटेल पक्का ब्रोकली की तुलना में। ये क्या, इससे ब्रोकली की तरह स्वाद क्यों आ रही है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? कितना भयानक। ओह, अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। मुझे लगता है इस कॉकटेल को हटाया जा सकता है। चलो क्वेंटिन, अब तुम्हारी बारी है। ओह, मैं सच में इसे नहीं पीना चाहता। मुझे सबसे बड़ा कॉकटेल मिला है, मैं इसे गिरा देता हूँ। पूरे आखिरी बूंद तक गिरा दूंगा। क्या, ये अभी तक क्यों निकल रहा है? यह कितना है? क्या मैं फर्श पर कॉकटेल नहीं डाल सकता? यह वैसे भी वापस आ जा रहा है। जाहिर है नियम मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। फिर मैं इसे किसी के ऊपर डाल सकता हूँ। क्या, सोफी सूखी क्यों है? एक सेकंड पहले ब्रोकली कॉकटेल में थी। नहीं, मैं तुमसे किसी भी हाल में छुटकारा पा कर रहूंगा। ओ रुको। ओह अरे, मैं कॉकटेल को फेंकने में कामयाब रहा और मुझे एक बूंद भी पीना नहीं पड़ा। ओ नहीं, क्या ये घिनौना कॉकटेल मुझ पर आ रहा है? लेकिन ये कैसे हुआ? कितना भयानक, मैं इस घिनौने जूस में ढका हुआ हूँ। ओह अरे, मुझे सीरियल का एक बड़ा पैकेट और एक ग्लास दूध मिला है। और मेरे पास सीरियल और दूध का सामान्य पैक है, और मेरे पास एक सुपर डुपर छोटा पैकेज और दूध का ग्लास है। मैं ट्रीट्स के मामले में इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? खैर ठीक है, मैं इसे ही खाऊंगी और मैं पहले शुरू करूंगी। छोटे आकार का मतलब यह नहीं कि हमें सब कुछ जल्दी से खाना चाहिए। मुझे एक छोटी प्लेट चाहिए और छोटी कटोरी। हम इसमें दूध डालेंगे और सीरियल डालेंगे, और इसके लिए मुझे छोटा हाथ भी चाहिए। और इस तरह के खाने के कारण मैं खुद को एक गुड़िया की तरह महसूस कर रही हूँ। यह स्वादिष्ट था लेकिन काफी नहीं था। खैर, अगला कौन है? यह निश्चित रूप से मैं हूँ। मुझे सीरियल का एक सामान्य पैक मिला है, चलो इसे अभी खाता हूँ। वाओ, कितना स्वादिष्ट। मैं बर्तन को गंदा नहीं करना चाहता या फिर उन्हें बाद में धोना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं सीधे अपने मुंह में अधिक से अधिक सीरियल डालूंगा। और अब अपने मुंह में दूध डालूंगा, ज्यादा दूध। वाह, बहुत बढ़िया। सोफी, मुझे हंसाओ मत। ओप्स, मुझे माफ कर दो, लेकिन तुमने मुझे हंसाया जब मेरा मुँह भरा हुआ था। ओ, मैं सीरियल में ढकी हुई हूँ। खैर, कम से कम मैं इसे खा सकती हूँ। वाह, यह स्वादिष्ट है। अब तुम बची हो माइली सिर्फ। यह सच है, मुझे यह भी नहीं पता कि सीरियल का इतना बड़ा पैकेट कैसे खाया जाए। हालांकि एक आइडिया मेरे दिमाग में है। इतने बड़े पैकेज के लिए हमें एक बड़ी प्लेट चाहिए। क्या तुम लोग तैयार हो? देखो यह रहा, एक पूल के रूप में अपनी विशाल प्लेट को तुम्हारे सामने पेश करती हूँ। मैं पूल के अंदर दूध में सारा सीरियल डालने जा रही हूँ। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अब मैं इसमें तैर सकती हूँ और खा सकती हूँ। यह अच्छा है, मैंने इसका सपना कब से देखा। ओह हाँ, सच में ये बहुत अच्छा है। ओ वाह, मैं इसका सपना बहुत दिनों से देख रही थी और आज ये पूरा हो गया। आशा है आपको आज की चुनौती पसंद आई होगी। फिर जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहे दोस्तों, यह आगे और भी मजेदार होगा।